हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप के रेड कलर एंड लाइट इफेक्ट फोटो एडिटिंग है जो लाइटों में आपके मदद से सिखाने वाले हैं। गाइज, ये एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। गाइज, इसके लिए सबसे पहले हमें लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो को ऐड कर लेना है। गाइज, हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं तो सिंपली इस पर हम क्लिक कर लेते हैं एंड इसको ऐड कर लेते हैं। फिर हमें सिंपली यहाँ पे ऑल फोटो पे क्लिक करना है एंड अपने फोटो को ओपन कर लेना है। सो गाइज, सबसे पहले हमें लाइटिंग को एडजस्ट कर लेना है, तो हमें सिंपली यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पे गाइज एक्सपोजर है, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। सिंपली यहाँ पे हम इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं एंड इसके बाद गाइज आता है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। सिंपली इसको भी हम इतना कर लेते हैं एंड गाइज हाईलाइट आता है, हाईलाइट को भी हमें डाउन करना है तो इतना हमें डाउन कर लेना है। एंड शेडोज है गाइज, शेडोज को भी हल्का सा हमें डाउन करना है। एंड इसके बाद गाइज व्हाइट है, व्हाइट बैलेंस है, इसको हमें हल्का सा इसको भी हमें डाउन करना है। एंड गाइज ब्लैक है, इसको हमें इंक्रीज करना है। सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमें डन कर लेना है, ठीक है। फिर हमें सिंपली अपनी फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है तो हमें यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड गाइज यहाँ पे है टेम्परेचर है, तो हल्का सा हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। विब्रेंस है गाइज, इसको हमें डाउन करना है। सिंपली यहाँ पे इतना डाउन कर लेते हैं एंड सिचुएशन को भी हमें हल्का सा डाउन करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको भी हम इतना डाउन कर लेते हैं। इसके बाद हमें मिक्स वाले टूल पर क्लिक करना है तो सिंपली हमें यहाँ पे मिक्स वाले टूल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले कलर पे आ जाना है एंड गाइज ह्यू है, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। एंड सैचुरेशन गाइज, इसको हल्का सा हमें डाउन करना है। एंड ल्यूमिनेंस गाइज, इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट वाले कलर यहाँ पे ऑरेंज कलर पे हमें आ जाना है एंड गाइज इसके अंदर सैचुरेशन है, इसको हमें डाउन करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं एंड गाइज आपको इतना कर लेना है। एंड यहाँ पे है ल्यूमिनेंस, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। गाइज इसके बाद में नेक्स्ट कलर यहाँ पे येलो कलर पे आ जाना है एंड इसके अंदर गाइज ह्यू है, इसको हमें डाउन करना है। एंड गाइज सैचुरेशन है, इसको हमें फुल कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे ग्रीन कलर पे हमें आ जाना है, इसके अंदर भी हमें ह्यू को डाउन करना है। एंड सैचुरेशन है, इसको हमें फुल कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट वाला कलर एक्वा कलर पे आ जाना है, इसके अंदर भी हमें ह्यू को डाउन करना है। एंड सैचुरेशन है, इसको हमें फुल कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद में गाइज हमें नेक्स्ट वाले कलर पे आ जाना है, यहाँ पे ब्लू कलर पे हमें आ जाना है एंड ह्यू को हमें डाउन करना है एंड सैचुरेशन को हमें फुल कर लेना है, ठीक है। इतना हमें कर लेना है एंड इसके बाद में सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज अब हमें यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये वाले प्रोफाइल के ऑप्शन पे हमें आ जाना है, ठीक है। फिर हमें आना है यहाँ पे आर्टिकल 3 पे, तो हमें आर्टिकल 3 पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ चुका है अपनी फोटो के अंदर, तो हमें इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ पे इतना फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज अब हमें आना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, अपनी फोटो के अंदर इफेक्ट डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी है, इसको हमें हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है एंड हमें इतना कर लेना है। गाइज इसके बाद में आता है विग्नेट, विग्नेट को हल्का सा हमें डाउन करना है। एंड इसके बाद में फेदर है, फेदर को हमें हल्का सा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में हमें डिटेल्स के ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। एंड अपनी फोटो को हमें स्मूथ बनाने लाए तो शार्पनिंग गाइज इसको हल्का सा इंक्रीज करना है, डिटेल्स को हमें फुल कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद में आता है नॉइस रिडक्शन, इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज करना है एंड यहाँ पे डिटेल्स को हमें फुल करना है। एंड इसके बाद में कलर नॉइस रिडक्शन आता है, इसको हल्का सा इंक्रीज करना है, डिटेल्स को फुल करना है एंड स्मूथनेस को फुल कर लेना है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, गाइज हमारी एडिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। इसके अंदर अभी हमें पीएनजी को ऐड करना है, लाइट वाली पीएनजी, तो सिंपली इसको हमें स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड शेयर टू पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज यहाँ पे स्नैपचैट ऐप के अंदर इसको शेयर कर लेना है, ठीक है। फिर हमें सिंपली यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड इसके अंदर हमें पीएनजी को ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एंड पीएनजी को ऐड करना है, तो इसके अंदर हम सिंपली यहाँ से पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऐड कर लेना है एंड इस पीएनजी को यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कर लेते हैं। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है एंड वापस हमें पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड गाइज इसके बाद में डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर गाइज, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है एंड इसके बाद में शार्पनिंग है, इसको भी हल्का सा हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। सिंपली यहाँ पे इतना कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे डन कर लेना है गाइज। फिर हमें वापस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें ब्रश पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सैचुरेशन गाइज, इस पर हमें आ जाना है एंड इसको हमें सैचुरेशन को 10 कर लेना है एंड अपनी फोटो को जूमिंग करना है एंड यहाँ पे लिप्स के ऊपर इसको रफ करना है, ठीक है। तो हमारे लिप्स है जो कलर हो जाएगा लिप्स के ऊपर, तो हम इसको रफ कर लेते हैं एंड वापस हमें यहाँ पे जूम आउट करना है एंड यहाँ पे डन कर लेना है, ठीक है। फिर हमें वापस यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पोर्ट्रेट पे हमें आ जाना है, तो सिंपली हमें पोर्ट्रेट पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज इसके अंदर है फेज स्पॉटलाइट है, इसको हमें सिंपली यहाँ पे इतना कर लेना है। एंड स्क्रीन स्मूथिंग है, इसको हमें फुल करना है एंड इसके बाद आई क्लैरिटी, इसको भी हमें फुल कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद में सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है, तो सिंपली अब हम इसको सेव कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
आई होप गाइज ये आइटम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।